फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माई मेंटोर। आज का टॉपिक हमारा वेक्टर एलजेब्रा। ठीक है, इससे पहले हमारा 3 लेक्चर हो चुका है वेक्टर एलजेब्रा का, ये हमारा चौथा लेक्चर है आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चौथा लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस हो चुका है, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ताकि आपका एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन रिवाइज हो सके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका हर एक क्वेश्चन से लगभग रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा सीयूईटी में। ठीक है, इसलिए हम लोग लगभग क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + j + 2k एंड बी वेक्टर इक्वल टू j कैप + k कैप। ठीक है, आपका नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर पूछा है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ये दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, बताइए। हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा वेक्टर, और डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी कर देंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। देखिए ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपका नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ का आपका ये फॉर्मूला हो गया। बस इस पे वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर लाना है, आंसर भी नहीं लाना यहाँ पे, तो बस पूछा गया आपसे 1, 2, 3 और इनफिनिट कितना इसके यूनिट वेक्टर होंगे। तो देखिए, आप इस फॉर्मूला से ही आप आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो देखिए आंसर प्लस और एक माइनस, तो आंसर 2 आएगा, एक प्लस के साथ आएगा एक माइनस के साथ आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको मतलब कि डाउट है कि आएगा कि नहीं आएगा आंसर, तो एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ता है। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आई जे के। ठीक है, तो 2, 1, 2, 2, 1 और यहां पे क्या हो गया, 0, 1, 1, 0, 1, 1। ठीक है, तो निकालिए ए क्रॉस बी, आप यहां से निकाल लिए। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, आई वेक्टर। तो देखिए, आपका एक क्वेश्चन में कितना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ए क्रॉस बी का आपको फॉर्मूला कैसे निकलता है ये बता दिए, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का ये बता दिए, अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बता दे रहे हैं। तो आई 1 into 1 1 1 -2 -j cap -j cap 2 1 0। ठीक है, प्लस के कैप 1 2 2 -0 प्लस के कैप। ठीक है, तो आपका बस यहां से आंसर आ जाएगा, आपका ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया, यहां पे रख दीजिए वो वाला, और इसका मॉड लीजिएगा तो नीचे रख दीजिएगा। मॉड कैसे निकालेंगे पता है ना, मॉड कैसे निकालते हैं, तो मॉड क्या करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ए बी सी क्या है, जो आई के साथ होगा वो आपको ए लिखना है, जो आई के साथ होगा कॉन्स्टेंट टर्म वो आपको यहाँ लिखना है, जो जे के साथ होगा कॉन्स्टेंट टर्म वो आपको यहाँ लिखना है, और जो के साथ कॉन्स्टेंट टर्म होगा वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ये करना है आपको, तो बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर देखिए 2 आएगा, ये आंसर तो कैसे आएगा ये तो मैं आपको बता दिया पहले में बिना सॉल्व किए। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ अगर आपको ट्रिक पता है तो आप बिना सॉल्व किए भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 points 2, -1, 3 3, -5, 1 एंड -1, 11, 9 आर पूछा क्या आपसे, नॉन कोप्लेनर कोलिनियर नन ऑफ दिस। तो बस इसमें क्या करना है आपको, कोलिनियर रहेगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे 0 आएगा, तो कैसे आता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3, और ये हमारा x1 y1 z1 क्या है, तो ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और ये हमारा z1 है। इसी तरह ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, और ये हमारा z2 है। ठीक है ना, इसी तरह ये हमारा x3 है,
ये हमारा वाई थ्री है और ये हमारा जेड थ्री है, ठीक है, बस वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको वैल्यू भी पुट करके दिखा देता हूँ, 2, -1, 3, -5, 1, -1, 11, 9, ठीक है। अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया तो कोलिनियर आ गया, अगर नॉन जीरो आ गया तो नॉन कोलिनियर आ गया। अगर बाकी कुछ देखते हैं, नॉन कोप्लेनर कैसे डिफाइन करेंगे वो बाद में बताते हैं, पहले एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 कैसे सॉल्व करते हैं, 2 पहले 2 लिए, -5 × 9 -45, ठीक है, और 11 × 1 -11, माइनस ऑफ -1 तो +1 आ गया, 9 × 3 = 27, -1 × -+1, ठीक है, लास्ट में क्या गया आपका +3, ठीक है, तो +3 क्या गया, 11 × 3 = 33 और -5 -5। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या आ रहा है आपका। इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, -45 -11 तो कितना हो जाएगा, तो 516 415, तो -56 × 2, ठीक है, +28, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 33 - 5, तो 28 × 3, ठीक है, तो -56 × 2 कितना आ जाएगा बताइए, 56 × 2 है, हम लोग इसमें से 2 बाहर निकाल लेते तो क्या बचेगा आपका, -28 × 4, ठीक है, तो -28 × 4 आया, और इधर आपका क्या है, 28 + 3 × 28, यहाँ पे क्या आपका 28 + 3 × 28, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आपका +28 कॉमन निकाल लीजिएगा तो 1 + 3, यहाँ पे भी 4 × 28, यहाँ पे -4 × 28, ये दोनों कट के 0, आपका आंसर क्या आ गया, कोलिनियर, आंसर सी आ गया, ठीक है। तो बस ये सब, तो बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान रहता है, बस आपको क्या बोलिए, कोलिनियर ऑप्शन में देख के पता किए कि कोलिनियर निकालना है या नॉन कोलिनियर निकालना है, तो बस कोलिनियर नॉन कोलिनियर, अगर ये जीरो का इक्वल हो गया तो कोलिनियर हो गया, तो बस यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज, तो इसमें बस कुछ नहीं करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताते हैं आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या निकालना है, देखिए ऐसे निकलेगा 1/2 × a×b, मॉड है ये, ये आपका मॉड है, बस a क्रॉस b कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा और 1/2, ठीक है, आपका यहाँ पे a दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, x1 y1 z1, क्या है यहाँ पे आपका x1 है, यहाँ पे देखिए x1 है आपका, यहाँ पे 2 है, 2 हो गया, y1 क्या है आपका, y1 आपका -3 है, -3 हो गया, z1 क्या है आपका, z1 आपका 2 है, 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका x2 क्या है, 2 है, आपका x2 2 आ गया,
वाई टू क्या है, थ्री है, और जेड टू क्या है आपका, वन है। बस यहां से आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहां तक में कोई प्रॉब्लम आपको? बस ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको मेन क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आता है, ये चीज आता है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको मेन मेन बस इसमें फॉर्मूला आना चाहिए, बस फॉर्मूला आता है तो इसमें सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, और ना कुछ इसमें दिमाग लगाना है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ए और बी ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बताइए, ए एंड बी एंड ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टी याद करिए, ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टी अगर याद होगा तो एक मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये, समझ में आ गया, एक मिनट का क्वेश्चन नहीं है, बस क्या करना है, ऑर्थोगोनल हो तो क्या होता है, ए डॉट बी जीरो होता है, बस ए डॉट बी जीरो कर दीजिए, ए डॉट बी आपका जीरो होता है, ए डॉट बी जीरो के इक्वल कर दीजिए, ये सब आपको याद होना चाहिए तभी आपका कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा, पहले बता देना, ए डॉट बी आपको जीरो करना है, तो ए डॉट बी जीरो करिए, तो ए डॉट बी में क्या होगा, टू इंटू वन टू हो जाएगा, लो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए डॉट बी कर रहे हैं, टू वन टू, और टू टू आई इंटू टू जे तो जीरो हो जाता है ना, इसलिए जीरो हो गया, टू आई इंटू थ्री के भी जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, बचा क्या, लैम्डा, लैम्डा इंटू टू, तो प्लस टू लैम्डा, और बाकी के साथ जे कैप का करेंगे, आई और के के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसी तरह के का बस के साथ करेंगे तो प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यहां से क्या आ गया आपका, फाइव प्लस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा का वैल्यू आपका आ गया माइनस फाइव बाई टू, आपका आंसर क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो बस आपको प्रॉपर्टी और कुछ कुछ पॉइंट याद होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, बस समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में देख रहे हैं कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में कुछ ही नहीं करना है, ठीक है। इसमें मैं क्या बोला था, वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर 3i - 6j + k एंड 2i - 4j + लैम्डा k आर पैरेलल, तो पैरेलल है, ठीक है, उसमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है आपको, बताइए लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पैरेलल है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तो हमेशा कोशिश करें कि कुछ इक्वल टू अगर उसके बाहर जीरो हो तो हम बता कि इक्वेशन निकाल सके, अगर जीरो के इक्वेलेंट कर देते हैं तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई या कोई फॉर्मूला है जिसमें हम लोग पैरेलल का प्रॉपर्टी लगा के ये इक्वेशन को जीरो कर सके, तो याद करिए, तो ए डॉट बी में क्या होता है, ए डॉट बी में होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा या कॉस थीटा, यहाँ पे पैरेलल है तो मतलब थीटा तो जीरो डिग्री है, तो थीटा जीरो डिग्री है तो मतलब ये वन हो गया, तो मतलब यहाँ पे तो जीरो नहीं हो रहा है ये, ठीक है, तो ए क्रॉस बी लगा के देखते हैं, ए क्रॉस बी लगा के देखते हैं, देखिए ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, देखिए पैरेलल है तो साइन थीटा क्या होगा, पर जीरो होगा, बस काम बन गया हमारा, ए क्रॉस बी को जीरो के इक्वल कर दीजिए, ए क्रॉस बी को जीरो के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि हमारा साइन थीटा तो जीरो हो गया था, पूरा टर्म जीरो, तो बस ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी, ए क्रॉस बी अभी आपको बताया निकालना, ए क्रॉस बी कैसे निकालेगा, आई जे के, यहाँ पे आप ए क्रॉस बी निकालिएगा, ए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हम लोग निकाले, आई जे के, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, थ्री माइनस सिक्स और वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री माइनस सिक्स और वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू माइनस फोर और लैम्डा, टू माइनस फोर और लैम्डा, और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ए क्रॉस बी लगाए
इसमें हम लोग ए इसको पूरा माने, ए इसको पूरा माने और बी इसको पूरा माने, ठीक है? कोई डाउट? कोई भी डाउट इसमें तो बताइए जल्दी, कोई भी डाउट है तो बताइए जल्दी। आप कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है? बस ए क्रॉस बी लगा के इसको सॉल्व करके जीरो का इक्विवेलेंट कर दीजिएगा, बस यहाँ पे लैम्डा आपका अननोन है, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या खत्म हो गया आपका? तो फ्रेंड्स इसी तरह आप बने रहे ताकि आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, सारा चीज़ का रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है? तब बने रहें, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आपका एक एक क्वेश्चन, एक भी डाउट ना रहे, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाला है और सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए आप ध्यान से देखिए और अच्छे से फॉर्मूला एक एक याद करिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है फ्रेंड्स? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।